नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो पीएम मोदी 7 अक्टूबर को ऋषिकेश के प्रस्तावित दौरे को लेकर सरकारी अमला सक्रिय हो गया है और वहीं पीएम के स्वागत के लिए तैयारियों में अधिकारी और कर्मचारी जुट गए हैं और पीएम मोदी यहां ऋषिकेश एम्स में नवनिर्मित 1000 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आपको बता दें, एम्स ऋषिकेश आगमन पर सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो, इसके लिए शासन प्रशासन ने एम्स के हेलीपैड तक पूर्व अभ्यास कर रहे व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और उत्तराखंड पुलिस की निगरानी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग भी कराई गई है। वहीं एम्स ऋषिकेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों ही बहाल रहेंगी। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान परिसर में दाखिल होंगे। केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा है। उत्तराखंड में उनका निरंतरता में आना रहा है। केदारनाथ बाबा के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा है और केदारनाथ में जो निर्माण का काम हुआ है, बद्रीनाथ में निर्माण का काम स्वीकृत हुआ है, प्रदेश के लोगों में उनके प्रति अटूट विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश के प्रति विशेष भाव है और इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने अपने राज्य के अंदर जहां चारधाम जैसी रोड का निर्माण करने में सफल हो रहे हैं, रेलवे लाइन का निर्माण करने में सफल हुए, कई शहरों में हमने बाईपास का निर्माण की तरफ बढ़े हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष काम किया है, मेडिकल कॉलेज हमने एक ही साल में 3-3 प्राप्त करे हैं, तो ये उनके आशीर्वाद का हमारे प्रति, पार्टी के प्रति और राज्य के प्रति उनका स्नेह इसे प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी के आने पर निश्चित रूप से यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता के मन में एक अपार उत्साह है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है और कि हमें हमारे संस्थान में स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए पीएसए प्लांट का और हमारी तैयारी पूरी है। अभी यहाँ से ही वो विभिन्न राज्यों के कुछ सिलेक्टेड पीएसए प्लांट्स हैं, उसका उद्घाटन वो वर्चुअल ही करेंगे। पीएसए प्लांट जो हमारे एम्स में 1000 लीटर क्षमता का बना हुआ है, ये पीएम केयर्स फंड के द्वारा अनुदान से प्राप्त हुआ और डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ये 1000 लीटर क्षमता का है और विभिन्न वार्डों में इसका सप्लाई किया गया है। पहले क्या होता था कि हम लिक्विड ऑक्सीजन लेते थे, बाहर से मंगाते थे और वो टैंक के द्वारा फिर सप्लाई होता था। अभी हम स्वयं ही इंस्टीट्यूट अपना ऑक्सीजन उत्पादन कर सकता है और ये बहुत हमारा जो लोड है लिक्विड ऑक्सीजन का बाहर से जो आना है उसको कम कर देगा और हमारा उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगा और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया और सीएम ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए प्रशासन और अधिकारियों से भी बात की। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था पूरी तरह से चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, महापौर देहरादून सुनील उनियाल गामा, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव सूचना श्री पंकज पांडे, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुंजाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी समेत जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का का
और वहीं पीएम मोदी के ऋषिकेश दौरे को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और आईजी लॉ एंड ऑर्डर और उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा लगातार ऋषिकेश के हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय से 10 SP, 9 ASP, 12 DPSP सहित 7 PSC कंपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दी गई है और उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता श्वेता चौबे ने कहा है कि पीएम दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही ट्रैफिक रूट्स पर भी SP अधिकारी तैनात रहेंगे। सभी फोर्स को ब्रीफ कर निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री महोदय का प्रोग्राम है उसके दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय से लगभग 10 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, 9 ASP, 12 DPSP और 7 कंपनी PSC जो है वो अतिरिक्त दी गई है जिले को और वृहद स्तर से जो है तैयारियां कर ली गई हैं। आज प्रॉपर ब्रीफिंग, रिहर्सल व डीब्रीफिंग जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटीरत हैं उनकी की गई है और उच्च स्तर के अधिकारी IGLO, IG INSA और जो रेंज स्तर के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, वो लगातार इसके प्रोग्राम को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, जो भी रूट है उसमें SP लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया है, प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है, उसमें ये भी बता दिया गया है जितने समय में VIP मूवमेंट हो केवल उसी समय जो है ट्रैफिक को रोका जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है प्रॉपर, क्योंकि रूट VIP रूट है, इस वजह से उसमें सिक्योर हमारी जो फोर्सेज हैं वो भी तैनात रहेंगे और फोर्सेज को भी इस हिसाब से ब्रीफ कर दिया गया है कि मूवमेंट के दौरान ही केवल जो है ट्रैफिक रूट हमारा डाइवर्ट रहेगा, अदरवाइज जो है वो नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं पिछले दिनों उत्तराखंड के माउंट त्रिशूल क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान में नौसेना के 4 जवानों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुमार देहरादून के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेफ्टिनेंट कमांडर के आवास पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेदी की स्मृति में शहीद द्वार बनाया जाएगा। देखिए, बड़ा दुखद है और ये घटना हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और सरकार हर तरीके से उनके साथ है और ऐसे जवान, ऐसे शहीद हमारे देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, वो सब हमारी स्मृति में रहें और आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में हमेशा बने रहें। हम सरकार जो है उनकी स्मृति में यहाँ पर शहीद द्वार का निर्माण भी करवाएगी। और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में रोजगार गारंटी अभियान के तहत बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके तहत आप कार्यकर्ता घर घर जाकर बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आप प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने हल्द्वानी दौरे में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और इसी क्रम में आपके उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने इनके नेतृत्व में पार्टी ने रोजगार गारंटी यात्रा प्रारंभ की है और अब तीसरे चरण में रोजगार गारंटी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आपके 7,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पूरे प्रदेश में 20 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 10,000 रोजगार अधिकार सभा का भी आयोजन होगा। जिसके माध्यम से हम इंश्योर कर रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रत्येक घर में एक रोजगार उपलब्ध कराया जाए और जब तक रोजगार नहीं हो तब तक उसको 5,000 रुपए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।